रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज की सुबह का आगाज़ भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज की सुबह में भी बहुत सारी स्पेशल बातें हैं जो कि सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस दो घंटे के शो में, इस दो घंटे के मॉर्निंग शो में हम आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। मगर आज की जो अच्छी बात हम लोगों ने आप लोगों के लिए जिसका इंतखाब किया है वो है मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत, जिससे हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। मुस्तकिल मिजाजी किसी भी शख्स के अंदर, किसी की भी शख्सियत के अंदर एक नुमाया पहलू होना चाहिए, ताकि आप कोई भी काम अगर शुरू करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर डटे रहें और मुस्तकिल बुनियादों पर उसका फॉलोअप भी देते रहें और उसको देखते भी रहें। यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत बनती है। जब हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी चीज़ के प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो किसी से भी कंसर्न कर सकता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, वो मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आपके दफ्तर के काम से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर वो मुस्तकिल मिजाजी हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, उस कॉन्टेंट से रिलेटेड भी हो सकती है जो रोजाना की बुनियाद पे हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। और यही चीज होती है जो आपको कामयाब बनाती है, और यही वो चीज है जिसकी वजह से हमारे देखने वाले हमें पसंद करते हैं और रोजाना की बुनियाद पे सुबह सवेरे पाकिस्तान को भी बड़े गौर से देखते हैं, सुनते हैं और इस शो का हिस्सा भी बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मुस्तकिल मिजाजी का जो एक अंसर है, ये पहलू आपकी शख्सियत में रहना चाहिए, ताकि जिंदगी में आप लोगों को कामयाबी हासिल हो सके। तो मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ अगर किसी भी चीज को किया जाए तो डेफिनेटली वहां पर कामयाबी आपके कदम जरूर चूमती है। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही, जिस तरह से मैंने बताया कि हम लोग भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद आ रही होती हैं और उनको रोजाना की बुनियाद पे अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, जैसे कि हमारा अच्छी बात के बाद वेदर होता है, मौसम की अपडेट्स होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो और आप लोगों को पता हो कि सुबह सवेरे पाकिस्तान में जब सरवत वलीम आपके सामने आएंगी तो सबसे पहले अच्छी बात और उसके बाद मौसम का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगी। तो चलिए मौसम का अहवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज सारा दिन में मौसम की कैसी सूरत हाल रहेगी। तो सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं और जान लेते हैं कि लाहौर में आज सारा दिन क्या सूरत हाल होगी। मौसम तो गर्म रहेगा, क्योंकि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत तो 19 होगा और मैक्सिमम 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। का मौसम भी बेहतर होगा, मगर मैं अगर कहूं कि कुछ हद तक गर्म रहेगा तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी कम से कम दर्जा हरारत तो 19 रहेगा और मैक्सिमम 29 डिग्री यानी कि 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची भी आज गर्मी में हमें नहाया हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मौसम गर्म है। यहाँ पर भी जो दर्जा हरारत है कराची का वो कम से कम तो 25 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर में आज सुबह मौसम अच्छा रहेगा, मगर जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा मौसम में हमें गर्मी देखने में मिलेगी, क्योंकि पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 18 रहेगा और मैक्सिमम 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। का मौसम तमाम शहरों से बेहतर है, ज़बरदस्त है, क्योंकि कोयटा के अंदर आज मौसम में गर्मी हमें कम नज़र आएगी, कम से कम दर्जा हरारत 13 होगा और मैक्सिमम 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत और मज़ेदार किस्म का मौसम हमें एक बार फिर से आज आज़ाद कश्मीर का मिलेगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत तो 10 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जिससे से मैंने अपनी सुबह सवेरे पाकिस्तान के आगाज़ पे आपसे बात की थी कि आज का सारा दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरने वाला है, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं। और एक अगर मैं आपको माजी की तरफ ले जाऊं और आज के दिन की स्पेशलिटी के हवाले से बताऊं, तो आज दुनिया समेत पाकिस्तान के अंदर भी डाक का आलमी दिन जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अगर डाक की हम बात करते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत सी एक फीलिंग्स होती थी कि जब ख़त डाले जाते थे, पोस्ट किए जाते थे डाक
किया आता था, एक ख़ास किस्म के लिबास उसने ज़ेब-ए-तन किया होता था, साइकिल पे आ रहा होता था, तो पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आता था कि बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, हर शख्स को अपने ख़त का इंतज़ार होता था। मगर इस चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि शायद ख़त्म होता जा रही है, या फिर शायद हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होते चले जा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हैं। और चूँकि जब हम सियाहत की बात करते हैं या आपके साथ पाकिस्तान के हवाले से शेयर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती शेयर कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर बड़ा खूबसूरत मुल्क है और सियाहत के एतबार से माला माल भी है। गैर मुल्की बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को सराह रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। तो ख़ास बात यह है कि आज मेरे साथ, अभी आपने कुछ देर में देखा होगा कि मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के विज़िट पर हैं, और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। हम इनसे कुछ गपशप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान ये क्यों आई, किस तरह से फैसला किया गया, पाकिस्तान आना इनको कैसा लगा, और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान की कौन सी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई, किस चीज़ को इन्होंने सबसे ज़्यादा सराहा। तो मैं इनका तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ ये दोनों जुड़वा बहनें मौजूद हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। वेरिना मौजूद हैं और इनके साथ इनके सिस्टर हैं डैनियला। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से बात करेंगे। ओके वेरिना, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विथ यू, इज़ इट करंटली डेंजरस टू ट्रैवल इन पाक? No, it's not dangerous. Like, you have to travel with the locals, but they keep you safe. It's not dangerous. Do you really think that this is safe? It's safe, yes. Okay. Which areas you have visited since here in Pakistan, and which is the most beautiful place in Pakistan? I only arrived 3 days ago, so I've only been to Lahore. Okay. Yeah, by then I can really much so far. Okay, then please tell me which food you like the most here in Lahore, especially. I'm here since a month, so I've traveled a bit more. So I've been in Balochistan, to Quetta, Lahore, Islamabad, Peshawar, Swat Valley, Chitral. Zabardast. Then which place Chandu. Is the most beautiful here in Pakistan? Hunza by far. Hunza ke liye mera apna vote hai. Mujhe Hunza bahut zyada jagah pasand hai. Bahut zyada jagah pasand hai. Okay. How did you find Pakistan and especially the Pakistani people? So far they are really, really nice, really hospitable, really welcoming. Yeah, I like them a lot. Yeah, really interesting people we met. अब कुछ खवातीन से मुतालिक, बहुत सारे लोग हैं ये समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तान में ट्रैवल करेंगे, खवातीन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग झिझक का शिकार होते हैं। जब दो जुड़वा बहनें यहाँ बहुत दूर से आकर ट्रैवल कर सकती हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को सराह सकती हैं, तो मेरा ख्याल है खवातीन से मुतालिक इनसे बात करनी चाहिए। व्हाट अबाउट द वुमेन, कैन दे ट्रैवल टू पाक? Women can, if they can travel to Pakistan, yeah, for sure they can travel to Pakistan. Yes, it's we travel to Pakistan. Okay. Yeah. What are your future plans here in Pakistan? So I just applied for an Indian visa. I hope I will hop over next week. Okay. But for today we will go to Multan and travel Multan for a few days, and then I go back to France in Islamabad. And yeah, and then we will see. भाई हमारी जितनी भी खूबसूरत जगह हैं, ये दोनों बहनों ने फैसला किया हुआ है कि वहाँ पर जाया जाएगा और उसको इंजॉय भी किया जाएगा। तो ये वो चीज़ होती है जिसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये वो पॉजिटिव इमेज होता है जो हमें गैर मुल्कियों को देना बड़ा ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है। ये दोनों बहनें, ये डेफ़िनेटली हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर सिर्फ खवातीन आ भी सकती हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, और यकीनी तौर पर जो गुफ्तगू हमारी वेरिना और डैनियला के साथ चल रही है इस पर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर आ भी सकते हैं, ट्रैवल कर भी सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा फील की जाती है कि शायद हमारे लोग फ्रेंडली नहीं हैं इनके साथ, हमारे लोग इनसे आराम से बात कर सकते, तो जान लेते हैं वेरिना डैनियला दोनों से ही, मैं सेम आई हैव द सेम क्वेश्चन विद बोथ ऑफ यू, आर द पाकिस्तानी पीपल फ्रेंडली टू वेस्टर्न्स? Westerns? Yeah. Yes, of course. They are. How much? Friendly? Yeah, friendly. Overwhelming, like, friendly. It's amazing. Yeah. I have never experienced that somewhere else in the world. Yeah. It's mind-blowing. The level of hospitality, the level of openness and curiosity is, I have never experienced it somewhere else. ठीक है, ओके, तो अब ज़रा कुछ खाने के हवाले से पूछ लेते हैं। लाहौरियों का खाना बड़ा मशहूर होता है, वैसे तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाया जाए तो खाना बड़ा ज़बरदस्त होता है और आप उसको इंजॉय भी कर सकते हैं, तो खाने के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ, मैं साथ साथ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होता रहे। बहुत सारी मेरी बहनें जिनकी ये शिकायत होती है कि जी आप कुछ ऐसी गुफ्तगू कर लेती हैं जिनके हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम समझ नहीं पाते कि आप क्या बात कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को बताने का मकसद ये आपको साथ साथ समझ आती है। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद पाकिस्तानी फूड्स स्पेशली इन हंसा, लाहौर और समवेयर एल्स? It's a lot of food here. Which one the most amazing, delicious and maybe spicy too? Oh gosh. I love your bread. Okay. Oh gosh, too much food.
I ate so much different food here. I can't say what is the best, but I haven't eaten anything which was bad. So I think you should give some reasons to come here in Pakistan, especially for those who are the food lovers. As a foodie, you have to come here because the cuisine is so diverse. Like I haven't eaten anything twice here. Hmm. Every day something different, and in every area it's different taste. Some is spicy, you know, some is not so spicy. Okay. And the combination of food is really unique here in Pakistan. So if someone is a foodie, they have to come here. They will love it. यानी कि आपको अगर खाना खाना है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाने शौकीन हैं, पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान का खाना आपको खाना चाहिए. स्पेशली जब हम लाहौर की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, अभी जिस तरह से मुल्तान का ट्रैवल किया जाएगा, हुंजा का ट्रैवल इन लोगों ने कर लिया है, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितना ज़बरदस्त फूड है. आपको यहाँ पर स्पाइसी भी मिलेगा, नॉन स्पाइसी भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा, आपको हर तरह का खाना मिलेगा आपके टेस्ट के हिसाब से, जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए. और एक और चीज़ है, जब कोई फॉरनर आता है, वेस्टर्न आता है, तो हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी क्यों आप लोगों ने डिसाइड किया, क्यों आप पाकिस्तान में आए और ये फैसला क्यों किया गया. हालांकि दुनिया भर में पाकिस्तान एक बहुत पॉजिटिव कंट्री है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, कौम हम लोग बहुत अच्छी है, लेकिन एक नेगेटिव इमेज जो है वो बिल्ड हो चुका हुआ है पाकिस्तान का. तो उस इमेज को किस तरह से इन्होंने हटाया और कोशिश की कि पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान को देखें. Where from you here and why you decided to come here in Pakistan? This is a very important question for those especially who want to come here but they have some negative image and negative vibes in their minds. Well, so, we travel a lot to areas where people normally don't travel to, where media is telling you not to travel to, and everywhere where we have been where people don't travel to, normally it's the most amazing experience ever. And that was the same here, like media is always bashing Pakistan, but that was actually the reason why I came here, to experience the truth, because media is hardly telling you. Any message for those who want to come here in Pakistan to travel or for such the beauty of Pakistan? Yeah. Any message? Don't be afraid and just give it a try. Just come and see for yourself and enjoy. And come now before everyone comes. Okay, Zabardast. Thank you so much. Bahut shukriya. Thank you so much, Reena Danila. Thank you so much. Jab hum Pakistan ki baat karte hain aur is tarah ki shakhsiyat ko hum log bulate hain, is tarah ki tourism ko farogh dene wale logon ko bulate hain, to aapko andaaza hota hai ki waqai Pakistan kitna khoobsurat hai. Pakistan zarur aaye, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें, पाकिस्तान के खानों को देखें, पाकिस्तान के लोगों को देखें. वो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं. और किसी भी नेगेटिव इमेज को लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में मत जाएं. पाकिस्तान का इमेज बहुत पॉजिटिव है, उसकी ज़िंदा ताज़ा मिसालें ये दोनों बहनें जो हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं आप लोगों ने देख लिया. इसके साथ ही मुझे सुबह सुबह पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे. स्टे विद अस.